नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की तरफ। इंदौर के रिफाइनरी कंपनी पर आयकर विभाग की टीम ने पहुंचकर की सर्वे की कार्यवाही। विभाग करेगा जल्द खुलासा। किशनगंज थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने किया पर्दाफाश, दो हत्यारों को किया गिरफ्तार। सिमरोल थाना क्षेत्र में सांप के काट लेने से बालक की मौत, परिजन अस्पताल की बजाय ले गए थे ओझा के पास, पुलिस ने किया मर्ग कायम। इंदौर में रिफाइनरी मालिक की फैक्ट्री पर आयकर विभाग ने सर्वे की कार्यवाही की। विभाग ने यह कार्यवाही ऑयल कंपनी में टैक्स चोरी की शंका के चलते की है। हालांकि विभाग इस मामले में अभी जांच कर रहा है। इंदौर में एक ऑयल कंपनी की फैक्ट्री इन दिनों आयकर विभाग के निशाने पर है। विभाग की टीम ने दो दिन पहले इस ऑयल कंपनी के प्रतिष्ठान पर छापे की कार्यवाही को अंजाम दिया था। इस मामले में विभाग जल्द ही अधिकृत कार्यवाही की जानकारी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पुलिस ने महू के समीप ईंट भट्टे के पास पत्थर से कुचली मिले युवक की लाश बरामद की थी। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए घटना का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किशनगंज थाना पुलिस ने ईंट भट्टे से मिली युवक की लाश के मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हत्या का मामला है जिसे गोलू ने अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया, घटना से पहले राजेश और गोलू ने मिलकर शराब पी और उसके बाद गोलू ने राजेश की हत्या कर दी। 13 अक्टूबर को सुबह करीबन 6 बजे हमें सूचना मिली थी कि किशनगंज थाने में ईंट भट्टे के पास एक अज्ञात मृतक की बॉडी पड़ी है। उसकी जब शिनाख्त की गई तो उसका पता चला हमें कि वह राजेश सोलंकी निवासी महूगाँव बलाई मोहल्ला है। घटना में और बारीकी से जब पूछताछ हमने की तो उसमें यह पता चला कि मृतक की दोस्त गोलू सोलंकी ने पवन चौहान के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें प्रथम दृष्टया गोलू एवं मृतक के द्वारा पहली भट्टे पर शराब पी गई, फिर वहीं पर पड़ी जो मौजूद पीट से इसके सिर पर बार बार वार किए गए और उसकी घटना मृत्यु हो गई थी। और पूछताछ में यह तथ्य भी सामने आया है कि पवन चौहान द्वारा 40,000 रुपये गोलू को उधार दिए गए थे और उसने कहा था कि अगर तुम इसको गिरफ्तार होगे तो तुम्हें 40,000 रुपये हम माफ़ कर देंगे। कितने लोग थे इसके साथ? करीबन 2 आरोपी हमने पकड़े और 48 घंटे के अंदर किशनगंज पुलिस ने खुलासा किया है, जिसके लिए उसके नाम पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा। सिमरोल थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बालक की सांप के काटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम में परिजन सांप के काटने के बाद से ही तंत्र मंत्र और झाड़फूंक का सहारा लेते रहे और बालक ने दम तोड़ दिया। नवरात्रि के पावन पर्व पर जहां जगह जगह पांडालों में गरबे का आयोजन किया जा रहा है, वहीं नसरुल्लागंज के शिक्षा संस्थान विद्यासागर अकादमी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गरबे का आयोजन किया गया। आयोजन में शांति देवी शिक्षा समिति के अध्यक्ष देवी प्रसाद परिहार और उपाध्यक्ष शांति देवी परिहार के कर कमलों से माँ जगदम्बा के चरणों में दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पण कर गरबे का शुभारम्भ किया गया। 3 ग्रुप में संस्थान के माँ जगदम्बे के दरबार में रंग बिरंगी वेशभूषा में गरबा नृत्य करती नजर आए। इसके बाद कुछ छात्राओं ने भी गरबे की मनमोहक प्रस्तुति दी। अंत में देवी सिंह परिहार और शांति देवी परिहार ने बच्चों को उपहार स्वरूप कमल देकर उनकी हौसला अफजाई की। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
खिलचीपुर के उदय पैलेस में एक जहरीला सांप आने से हड़कंप मच गया। इसके बाद पैलेस के कर्मचारी ने तुरंत कमल नाम के युवक को फोन किया। मौके पर पहुंचे कमल ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप को अपने कब्जे में ले लिया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। खिलचीपुर में सांपों को पकड़ने के लिए कमल को महारत हासिल है। पूरे जिले में हर कोई सांप पकड़ने के लिए कमल को ही बुलाता है और इस काम को वो पैसे भी नहीं लेता। कमल ने सांप पकड़ने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक रखा है। राजगढ़ से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। ये कमल जी बताइए, यही वाला जो खेत है कि यहाँ से पकड़ा था? यहाँ यही वाला खेत है। हाँ। ये इन्होंने बताया था मेरे को, उधर से आया था। हाँ। तो ये इधर जब मिले ना, हाँ, इसमें घुस गया था। अच्छा अच्छा। तो काफी देर से हम लोग खोद रहे थे इसको। इसमें पानी भी छोड़ा हमने इसको पकड़ निकालने के लिए बाहर। इनने बोला काला सांप है, अभी निकल आएगा, तो पानी भी छोड़ा हमने। उसके बाद काफी देर से खोदने के बाद ये यहाँ मेरे को दिखा, तब मैंने इसको यहाँ से बाहर निकाला। ब्रिटेन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सार प्रदेश।